रिक्वेस्ट है, मेरी टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं, नहीं समय इतना ही रहेगा, तो कोई बात आप इतने समय में रख लीजिए अपनी बात। इतने समय में तो कुछ आप बोल तो नहीं बहुत अनुभवी है, इतने समय में तो नेट सेल्फ यही है, सागर में सागर, सागर में सागर कीजिए आप। 5, 12, 14, 17, 20 पे बोलना था, लेकिन नेट सेल में इतना ही कहूंगा। एक तो लैंड ऑर्डर के बारे में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इसको योगी आदित्यनाथ जी वाला स्टेट बना दो, उससे भी बढ़िया बना दो। मैं कहता हूं लोग याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं आपको। कितना ये बजट लगो, कुछ लगो, एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन, गुंडा नजर नहीं आना चाहिए कहीं भी मुख्यमंत्री महोदय, एक तो ये। और एक होमगार्ड वाले बेचारे 4 महीने में लिया हटा दिया, उनको चाहे गेस्ट टीचर की तरह से कर दो, हटाओ ना, उसके घर में चूल्हा चौकी बेचारा का बंद हो जाता है 4 महीने के बाद। दूसरा 12 में ये एक ये एजुकेशन का है, 15 साल से फिर तो बात बनेगी नहीं, 15 साल से पीएचडी टीचर लगे हुए हैं प्राइवेट कॉलेज में 16,000 की तनख्वाह में, 4 महीने हटा देते हैं, 8 महीने लगा लेते हैं, सब कुछ सरकारी देती है, सरकारी चला रही प्राइवेट कॉलेज को, तो उनका बढ़ाओ और उनको हटाओ ना, उनका ग्रेड बढ़िया करो। एक सेकंड, बस ज्यादा नहीं करूंगा, मामूली मामूली सा। एक ये नकली दवाइयां, हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। नकली दवाइयां मार्केट में इतनी हैं, कितने पैसे ले लेके बेचारे इलाज कराते हैं, पर उनको उनका इलाज सही नहीं होता। और हर चीज में मिलावट है, आप कोई मिठाई खाओ, सख्त से सख्त कानून बनाओ ताकि रूह कांप जाए दूध में पानी मिलाने वाले की, नकली दवाई वाले की, नकली जो ये मिठाइयां वाले की, और जितने बेईमान है उनको पता लगे भाई वक्त बदल गया है। अब इस समय नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, उनको पता लगना चाहिए इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। देखिए अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो हमारा सत्यानाश हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, ये नस्लें कमजोर हो जाती। मैं एक मिनट और, आधा मिनट लो, थोड़े आधे मिनट में, कोई बात नहीं, आधे मिनट में। एक ये हमारे हेल्थ में, अच्छा सॉरी, पब्लिक हेल्थ का जो था मुआना गांव में, वहां सीवरेज लगा था, वहीं सब कुछ खत्म, सीवरेज भी खत्म, गलियां भी खत्म। तो जो ये भ्रष्ट लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो, और ये जो म्युनिसिपल कमेटियां हैं, सेक्रेटरी, एमवी, सब करप्शन, इतनी करप्शन है मैं कहता हूं सारा कुछ पी जाते हैं। एक मैं विशेष तौर से एक बात और कहना चाहता हूं, जितना भी आप जिस तरह तरीके से भी संस्थाओं को जो पैसा, किसी में भी संस्थाओं में टेंडर नहीं लगना चाहिए, वो सारा डायरेक्ट संस्थाओं को, दो रजिस्टर्ड संस्थाओं को, ताकि कोई आदमी उसमें बीच में ना खाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो, मॉनिटरिंग कर दो, कुछ कर दो, लेकिन पैसा कोई भी टेंडर। अभी एक सेकंड, एक सदस्य मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि MLN पब्लिक स्कूल जींद के विद्यार्थी तथा स्टाफ आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा।